इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। तो जो बोर्ड का पेपर है, मतलब नॉर्मली कई लोग ये सोचते हैं कि हम डेरिवेशंस कर जाते हैं, थ्योरी कर जाते हैं, तो बस इतना ही ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, है ना। और फिर जब वहाँ जाते हैं तो 8-10 क्वेश्चन उल्टे सीधे उल्टे हुए आते हैं, और फिर बंदे को लगता है कि यार पता नहीं यार पेपर अच्छा नहीं हुआ। और फिर जब उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस होता है, कभी कभी वो अफसोस भी होता है कि यार पहचान में नहीं आया क्वेश्चन में क्या लिखना था। तो हम वो ऐसी सिचुएशन ना हो, हम पहले से अपनी तैयारी करके जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो रिवीजन में बेसिकली क्या होगा कि जो आपको शीट्स दी हुई हैं डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन फिर से नहीं हो सकती, तो बहुत बड़ा कोर्स है। अब तो हम सैम्पल पेपर के थ्रू पुराने पेपर्स जो आए हुए क्वेश्चन हैं 2019 का, 18 का, 17 का, पुराने पेपर्स को एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं कि और पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछने वाले की सोच क्या है, कि वो किस तरीके से क्वेश्चन डालता है। और आप ये भी देखेंगे कि इन सैम्पल पेपर्स को करने के बाद जब आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो अगली बार हमने करने हैं, आज तो ये सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैट्स इतना सारा ख़त्म ही हो जाएगा, और उसके बाद जो पुराने पेपर्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, तो उसमें आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। आपको इन सैम्पल पेपर्स और इन डिस्कशंस और पेपर दे के 1-1.5 महीने में एटलीस्ट इतना पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा और कैसा आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी नहीं दिखता आपको, अभी क्योंकि कोर्स खत्म ही हुआ है, अब सेकेंड राउंड के अंदर आपको चीज़ें और दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जुलाई का सैम्पल पेपर है। कई लोग बोलते हैं एग्जाम आइडिया ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेन ड्राइव में ले जाए मुझसे, ये पेन ड्राइव से कर ले और एग्जाम आइडिया वहाँ से कर ले। कोई कहता है कि नया वर्जन है, पुराना वर्जन है, यू लाइक एक ही वर्जन है, 5-7 क्वेश्चन ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, किताब सेल करनी है उसने, क्वेश्चन तो वही रखेगा बेसिक। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड से। इसके अंदर शुरू में तो फॉर्मूलाज गिवन है, ये तो हमने नहीं करने, हमें ऑलरेडी आते हैं। हम क्वेश्चन के ऊपर सीधा चलते हैं। ये रही एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ये गिवन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ चार्ज गिवन प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। Q1 दे रहा है, Q2 दे रहा है, R दे रहा है, फोर्स पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R2। फिर बी पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो वो तो सेम ही होगी, जो पहला स्फीयर जो फोर्स लगाएगा दूसरा भी एग्जैक्टली सेम लगाएगा, बिकॉज कूलम फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। चेक द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। के का मतलब 1/4πε0, तो 1/4πε0 के यूनिट्स आप निकालना फोर्स से, इससे ये न्यूटन कूलम कूलम मीटर स्क्वायर से, यहां पुट करना ई इंटू ई चार्ज स्क्वायर, जी का निकालना पड़ेगा एफ इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से, जी का डायमेंशन फॉर्मूला और के जी इंटू के जी, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ये यूनिटलेस आ जाएगा। 41.4a, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या हुआ हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, होल नंबर में जाता है, फ्रैक्शन में नहीं जाता। फिर बी पार्ट है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। जब बहुत बड़े बड़े चार्जेस की स्टडी की जाती है, जैसे 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो 1 is n into 1.6 into 10 raised to power minus 19, तो 1/1.6 into 10 raised to power minus 19, ये प्लस 19 हो जाएगा ऊपर, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने इलेक्ट्रॉन में कोई फ्रैक्शन में भी होगा या नहीं होगा इतने मैटर करता नहीं है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ्रैक्शन मैटर नहीं करती। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आके चार्ज क्वांटाइजेशन में फ्रैक्शन मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। दोनों पे चार्ज अपीयर होते हैं। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो सही है ना, एक बॉडी से अगर मान लो क्यू चार्ज निकला तो दूसरी में माइनस क्यू हो गया, तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू प्लस माइनस क्यू इज जीरो, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। उसी तरीके से चार पॉइंट चार्जेस हैं स्क्वायर के आसपास हैं, आपको फोर्स निकालनी है 1 माइक्रो कूलम के ऊपर जो इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। चार वेक्टर चार फोर्सेस आ गई, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, जो दो फोर्सेज आएंगी बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे शीट्स में कि नेट फोर्स कैसे निकलेगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक भी? ठीक। नेक्स्ट है 1.8, टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी गिवन है, डायपोल है बेसिकली 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ, यहां पर मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस वन रख लो, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फील्ड क्या होगा, E1 + E2 दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत किए थे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है, पहली दूसरी शीट्स में ही थे ये सारे क्वेश्चंस जब हमने शुरू में इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था। 1.9 के अंदर अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी एंड लोकेटेड एट पॉइंट 0, 0, -15 एंड 0, 0, +15, तो दो चार्जेस इन इन पॉइंट्स पे पड़े हुए हैं। व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज में क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे टोटल चार्ज आएगा एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो क्यू पता है डिस्टेंस हमें -15 और +15 के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, +15 -15 यानी कि 30, टोटल डिस्टेंस नंबर लाइन पे ड्रॉ करो -15 और 15 में 30, जिसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2a पता है, तो p क्या होता है, q इंटू 2a, तो q इंटू 2a से आंसर आएगा, तो डायपोल मोमेंट आ गया। उसी तरीके से वगैरह इसी क्वेश्चन में टॉर्क निकाल लो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, पी निकाल लिया, ई साइन थीटा, थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है आंसर। 1.11 में अ पॉलिथिन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ गिवन, नेगेटिव चार्ज है, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो क्यू क्या होता है, एन ई, एन क्या होता है, क्यू भाई, क्यू पता है, ई से डिवाइड करो आंसर। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथिन, हाँ ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जिस भी बॉडी में जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज का मतलब वहां पर मास भी ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो मास वहां पर बढ़ जाता है, तो हाँ मास ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है 1.12, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, अगर चार्ज एक के ऊपर इतना है तो ठीक है 1/4 π/Q1 Q2 R², कोई फर्क नहीं है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन ईच पर इज चार्ज द डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, चार्ज को डबल करना है डिस्टेंस हाफ करना है, 2 × 2 = 4, एक फोर ऊपर गया 16, तो 4 16 टाइम्स हो जाएगी इसमें, ठीक किया था ऐसा क्वेश्चन भी हमने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बड़ा फेमस क्वेश्चन मैंने आपको शीट में लिख के भी दिया था कि अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है क्यू, एक चार्ज बॉडी है क्यू, एक अनचार्ज बॉडी है जीरो, तो पहले आप इसको इसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है क्यू प्लस 0/2, है ना, फिर क्या होता है कि इसके ऊपर चार्ज एवरेज, इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा क्यू प्लस 0/2 और इसके ऊपर क्या रहेगा क्यू, फिर इसको इसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो इसके ऊपर तो चार्ज कितना रहेगा Q/2 और इसके ऊपर क्या आएगा Q+Q/2 / 2, राइट, और फिर इनके बीच में क्या निकालनी है फोर्स। तो ऐसे हमने कांटेक्ट में लाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और आते भी हैं ये, तो आप जब कांटेक्ट में दो बॉडीज को लेके आते हैं तो फिर चार्जेस क्या हो जाते हैं, एवरेज आउट हो जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखे होंगे आपने ऐसे ट्रेजेक्ट्री वाले, जैसे इसमें 1, 2, 3 तीन चार्जेस हैं, दो प्लेट्स हैं, आपको ये बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, जो तो प्लस प्लेट की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज, जो माइनस प्लेट की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज। फिर असली बात ये नहीं है आपको कि इसमें क्या है, इसमें नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि ये बताओ इन तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, क्यू बाई एम रेशियो भी बताओ और मैथमेटिकली बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने एज्यूम करना है कि एक चार्ज पार्टिकल आया था और वो डिफ्लेक्ट हो गया था पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, उसने डिफ्लेक्शन कितने कवर की डेल्टा, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया एल, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन क्या होगी क्यू ई बाई एम, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एल इज इक्वल टू यू टी, तो टाइम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई यू,
और वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई यू टी 0 + ½ at² तो ए की जगह क्यू बाई एम और टाइम की जगह एल बाई यू का स्क्वायर। तो जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा डिफ्लेक्शन क्या आएगी क्यू बाई एम, तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, तो जिसका जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी जो ज़्यादा मुड़ जाएगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जिसका ज़्यादा होगा क्यू बाई एम की रेशियो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकली तरीका है प्रूव करने का, ऐसे नहीं थ्योरी में लिख सकते इसे। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर गिवन है, वट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अगर कोई शीट वाई जेड प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर आई कैप में होगा। तो ई वेक्टर पता है, 10 आई कैप पता है, तो ई डॉट डी एस करोगे आंसर आएगा। फिर बी पार्ट है, वॉट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ई डी एस कॉस 60 कर देना है इसमें, ई डी एस क्योंकि एंगल एरिया वेक्टर का 60 गिवन है, तो ई डी एस कॉस 60 से आंसर आएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं क्यूब वाले। एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से आती है और यहाँ से निकल जाती हैं, तो इसमें बताओ चार्ज क्या होगा ना, इसका फ्लक्स क्या होगा। जितनी लाइन्स आ रही हैं उतनी लाइन्स एग्जिट भी कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो नेट चार्ज अंदर क्या होगा इसके, जीरो, दोनों जीरो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 1.18 करते हैं। इसके अंदर वो याद है शीट होती थी, एक शीट के 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, आपको शीट का फ्लक्स निकालना है। तो हम एक शीट नहीं ऐसी 6 शीट्स मिला लेते थे और क्यूब बना लेते थे, क्यूब के सेंटर पे चार्ज है, तो इस टोटल क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और एक शीट का क्या होगा 1/6, तो 1/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.20, पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्लक्स गिवन है, पासिस थ्रू स्फेरिकल गॉशियन सरफेस ऑफ इतना रेडियस, इफ रेडियस वर डबल्ड फ्लक्स का क्या होगा। देखो फ्लक्स क्या होता है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो स्फेयर चाहे छोटा है स्फेयर चाहे बड़ा है या बहुत बड़ा है, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स की वैल्यू क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही रहती है, तो उसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं होगा। वॉट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो फ्लक्स तो वही है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.22, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ गिवन सिग्मा गिवन, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। देखो जो टोटल जो सिग्मा क्या होता है वो चार्ज बाय एरिया होता है, तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इनटू एरिया आंसर। बी पार्ट है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर। तो बस वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूलाज में आंसर। इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए ई का, लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता है हमने जो किया था 1/4 πε2 λ/r किया था, तो ये फॉर्मूला यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, ई और आर इज गिवन। शीट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, शीट के अंदर आपको क्या गिवन है सिग्मा गिवन है, सिग्मा एंड माइनस सिग्मा जिसकी वैल्यू गिवन है, आपको ई निकालना है यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो अगर एक सिग्मा और माइनस सिग्मा है तो नेट ई यहाँ पर क्या आता था जीरो, हमने किया था डेरिवेशन फ्लक्स में, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप पे 12 excess इलेक्ट्रॉन्स है, 12 excess इलेक्ट्रॉन का मतलब 12 negative charge है, 12 e इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो हवा में स्टेशनरी है। हवा में स्टेशनरी क्यों होगा, कौन इसे नीचे गिरेगा, इसका वेट, वेट क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, इसका वेट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट क्यू ई, तो वेट इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ से आर निकालना है, आर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर यही कॉन्सेप्ट लगता है कि वेट किस, वेट को कौन बैलेंस करता है, क्यू ई फोर्स बैलेंस कर लेती है, तो वेट इज इक्वल टू क्यू ई और वहां से आर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है कौन सी फिगर इसमें से गलत रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे खत्म होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी स्टार्ट हो रही है जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे होती हैं, गलत। प्लस से प्लस पे जा रही हैं, गलत। ये फिर भी ठीक लग रही है, प्लस से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी पे जा रही है,
प्लस से प्लस पे जा रही है गलत, क्लोज लूप तो बना ही नहीं सकती तो गलत, तो एक सिर्फ सी फिगर को छोड़ के बाकी सब गलत है, रॉन्ग है, ये नहीं आएगा 1.27, 1.28। अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी, एक मेटल का कंडक्टर है, बीच में होल है, कैविटी है, एज शोन शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो देखो अगर आप कोई भी चार्ज देंगे वो चार्ज अल्टीमेटली कंडक्टर की कहाँ पर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, ये शो करना है आपने। अब क्योंकि नेट ई क्या हो जाता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, तो अगर आप कोई भी एक गॉसियन सरफेस लेंगे इसके आसपास, नेट ई उसके ऊपर जीरो होगा तो अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब ई जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा तो अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो गया प्रूफ। फिर सेकेंड पार्ट में कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया तो आउटर पे प्रूव करो क्यू प्लस क्यू है वो तो होगा ही क्यों, अगर ये क्यू है तो बाई इंडक्शन माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, आउटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। तो इंडक्शन का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें ये बहुत आता है, हमने किया भी था, डेरिवेशन की है, किसी भी कंडक्टर के आसपास ई का फॉर्मूला प्रूव करो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है एंड इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये डेरिवेशन थी आपकी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट की शीट्स में है, हाँ डेरिवेशन है प्रॉपर, तो आपको प्रूव करना है, डराइव करना है अपने, उसी रिजल्ट से प्रूव करो जैसे हमने किया था, ये जरूरत नहीं है करने की, ये नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स है ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.32 पढ़े, कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिग्रेशन, इमेजिन कर ले कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ ले जहां पर कई ई आपस में कैंसिल हो रहे हैं और वहां पर नेट ई जीरो है, वहां पर चार्ज को प्लेस कर दे, फिर चार्ज को वहां से हिलाएं, हिला दें तो वो चार्ज वापस तो आएगा नहीं वहां पे, वो अनस्टेबल हो जाएगा और किसी ना किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो ये तो कह रहा है शो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा पक्की बात है, क्योंकि जब तक वो ई इज इक्वल टू जीरो पे बैठा हुआ है तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, और अगर आप उस पॉइंट से उसको हिला देंगे वहां पर ई नॉट जीरो हो जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर अ सिंपल कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कह रहे प्रूव करके दिखाओ कि दो इक्वल चार्ज ले लो और इक्वल चार्ज को लेके टू चार्ज सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन भी प्लस क्यू और सर्टन डिस्टेंस, एक प्लस क्यू लो एक प्लस क्यू लो और उसके सेंटर में नेट ई जीरो होता है वहां पे चार्ज को रख दो, लेकिन किसी और पॉइंट पर ई जीरो नहीं होता तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, अपने अपने वर्ड्स में आप बना सकते हैं इसे, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है, इसे थ्योरी में लिख दिया यार, थ्योरी में तो उल्टा नंबर कम ही मिलते हैं, आप मैथमेटिकल एक्सप्लेन करोगे इक्वेशन से ज्यादा मिलते हैं हमेशा, ये थ्योरी में समझा रहा है। फिर सेम क्वेश्चन जो आता है, मैंने बताया था कि एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो डिफ्लेक्ट हो गया बाय वाई, आपको डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी है इसके इक्वल है और चार्ज पार्टिकल वी एक्स वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है, तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एल इज इक्वल टू वी टी, टाइम आ गया, और वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई हाफ इन टू एक्सलेशन क्यू बाई एम इन टू टी का स्क्वायर, टी की जगह एल बाई वी एक्स, तो ये आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। ठीक, सेम क्वेश्चन है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो करवा रहा हूं, आप कहेंगे वो दूसरा बैच बोला कि स्टार लगाया, अच्छा यही करने हैं, नहीं मैंने कहा और जो आपने छोड़ दिए वो नहीं करने हैं, नहीं नहीं वो आपने करने हैं, मैं सारे थोड़ा पढ़ पूरी किताब थोड़ा पढ़ दूंगा यार, मैं बीच बीच में जो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है तो मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आपका होमवर्क ही है, ये सारा आप ही ने करना है, इसका टेस्ट जो होगा वो सैटरडे को होगा और इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा फुल इलेक्ट्रोस्टैट्स एनसीईआरटी, और शाम को ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन दो टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्लक्स फील्ड एक टेस्ट है, अपलोड हो गया वैसे आज, जिसने आज देना है मेरी तरफ से आज दे दो, यही मेन्स है सारा,
और सेकेंड टेस्ट जो मैंने अपलोड करना है कल, वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का होगा, क्योंकि अब हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहे हैं तो सेट मींस सब्जेक्टिव दिन में हो जाएगा, तैयारी तो कर ही रहे हो, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी ऑनलाइन हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे इकट्ठे, ठीक है ना। मतलब इंस्टेंट की मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स करूँ और वहाँ पर ड्यूअल नेचर लूँ तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा। और साथ में प्लस वन के टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं, अब कल तक मेरे ख्याल से टेस्ट अपलोड प्लस वन के भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग मतलब 15-20 डेज ही आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ अपने अपने जो टॉपिक प्रैक्टिस करते जा रहे हैं प्लस वन, अब टाइम आ गया उसको प्लीज़ टेस्ट की फॉर्म में आपने देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है और एडिटिव है, मालूम है। ग्लास रॉड रब विद सिल्क एक्वायर्स अ चार्ज गिवन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है एक्सप्लेन कर दो, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिर सेम है। नेक्स्ट है, टू पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर हैविंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। अगर इसको वाटर में डालेंगे तो फोर्स क्या होगा, तो मैंने बताया था वाटर के अंदर जो फोर्स होती है वो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बाय 80 हो जाएगी। नेक्स्ट है, डज दी कोलंबियन फोर्स कूलम फोर्स दैट वन चार्ज एग्जर्ट ऑन अनदर चार्ज चेंज इफ अदर चार्जेस आर ब्रॉट नियर बाय। अगर मेरी और आपकी फोर्स Q1 Q2 चार्ज की F है, तो अगर आप लोग मेरे पास आ जाते हैं तो हमारी फोर्स चेंज चेंज करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, तो मेरी और इसकी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इज केप्ट फ्रीली, इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस बाय प्रोटोन, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ डज दी कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो कूलम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। 22nd में, ड्रॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में एंटर करवा दो, पॉजिटिव से बाहर निकाल दो, तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। फिर नेक्स्ट है, एक पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्योंकि पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकालनी है आपने। स्केच द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब प्लस एंड माइनस, तो प्लस से स्टार्ट करो लाइन्स और माइनस में एंटर करवाओ, तो बन जाएंगी ये भी प्लस से माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डायपोल स्टेबल कब होगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जब डायपोल का माइनस प्लस के साथ होगा, प्लस माइनस के साथ, तो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो डायपोल मोमेंट भी एग्जैक्टली राइट है, माइनस से प्लस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन तो वो स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। 19th क्वेश्चन नंबर, ये होने तो परपेंडिकुलर, वो एक्चुअली 3D का व्यू दिखा रहा है, नहीं उसे एक नहीं किया, उस डिस्ट्रीब्यूटेड ही किया। मैं तो सीधी बना के आता, वैसे सीधी बनाता वैसे मैं यार, 90 डिग्री पे ये सीधा ही ड्रॉ करता वैसे मैं नॉर्मली, मुझे पता नहीं इसने कुछ ज़्यादा, वो 3D इफेक्ट दिया है कि देखो ऐसे दूर जा रही है। एक्चुअली वो भी सच्चा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है तो लाइंस पैरल जाएंगी तो सेम हो जाएगा, दूर दूर करनी जरूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेसिंग बढ़ानी जरूरी है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है लेकिन जैसे दूर जाएंगे वो सेपरेट भी होती जाएंगी वैसे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है, लाइंस में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पैरेलल नहीं हो सकती। नंबर मिल जाएंगे जैसे मुझे ड्रॉ कर दे, इतना तो चल जाएगा, ठीक है ना, चलेगा इतना, पर अपने पॉइंट से ठीक है, स्टार्ट पर पेंडुलम करके दूर करना चाहिए उसे। डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी
देखो नेक्स्ट है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, मुझे टॉर्क को मिनिमम करना है। टॉर्क मिनिमम, टॉर्क क्या होता है? पी साइन थीटा, थीटा 0 या 180 होगा तो टॉर्क अपने आप मिनिमम होगा, तो 180 कर दोगे तो मिनिमम आ जाएगा। एट व्हाट पॉइंट्स इज द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस? कुछ भी एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन ले लो। एक्सियल लाइन में डायपोल मोमेंट एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन, इक्वेटोरियल में इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल और पैरेलल तो होते ही हैं। कुछ भी लिख दो, पैरेलल है एंटी पैरेलल है एक ही बात है। वैसे एक्सियल लाइन लिख दो कि ज्यादा बेटर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल? एक्सियल इक्वेटोरियल में एंगल क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? एक्सियल में 0 बनता है, इक्वेटोरियल में 180 बनता है। इसे 180 लिखा है वैसे, पर मेरे हिसाब से 0 और 180 बनते हैं, दो अलग अलग एंगल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। सी पे, जहां पर लाइंस करीब आ जाएंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल, तो क्यू चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रख दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेस का क्या होगा? 1/6। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड q आर लोकेटेड एट a, 0, 4a, 0, एंड 4a, 0। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, तो इसको सेंटर मानते हुए 3a का स्फीयर बना दो। तो इस स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? -2q, तो फ्लक्स क्या होगा? -2q/ε0, तो ये टोटल फ्लक्स आ गया इसका। नेक्स्ट फिगर में फ्लक्स बताओ, नेक्स्ट फिगर में फ्लक्स क्या होगा? टोटल चार्ज 2q - q/ε0, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ इज गॉस लॉ मॉडिफाइड इफ द मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k इज प्रेजेंट? वैसे गॉस थ्योरम क्या होती है? q/ε0, मीडियम होगा तो q/k times εr, k times हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन आर्बिटरी सरफेस एनक्लोजेस इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट गिवन, p गिवन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? तो डायपोल मोमेंट, डायपोल का मतलब है q n - q, इसके आसपास अगर क्लोज बॉडी लेंगे तो नेट चार्ज इनसाइड अ बॉडी क्या आएगा? 0, q n - q विल गिव 0, तो फ्लक्स भी क्या आएगा? 0। सेम क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा? सेम, क्योंकि स्फीयर को बड़ा छोटा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है q/ε0। नेक्स्ट है 53rd क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि ये चार्ज q है तो बाय इंडक्शन ये -q, ये +q है, अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस का सिग्मा निकाल दो। तो अंदर की सरफेस का सिग्मा क्या होगा? -q/4πr1² बाहर की सरफेस का क्या होगा? +q/4πr2² तो ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, ये दो चार्जेस हैं q n - q और इनको हमने d डिस्टेंस अपार्ट रखा। कायदे से इनके बीच में फोर्स बननी चाहिए थी 1/4πε0 q(q)/d², पर यहां पर वो कह रहे चेंज होगी कि यही आएगी? चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि प्लस, क्योंकि कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स के ऊपर चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो प्लस q और माइनस q आसपास आ गए, आमने सामने आ गए, डिस्टेंस इनके बीच में कम हो गया तो फोर्स इतनी नहीं आएगी, फोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज डी कम होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, तो फोर्स इतनी नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी। ये वही नेट फोर्स और उस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 क्या सिग्निफाई करती है? क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 ये सिग्निफाई करती है कि चार्ज की वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्ज की वजह से निकालें, क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये सिग्निफाई करती है। फिर कह रहे हैं लाइन्स ड्रॉ करो जब चार्ज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप ड्रॉ करना जानते हो। ये हो जाएगा नेट ई निकालना हमें आता है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो हमने शुरू में किए थे। ये देखते हैं 8th में,
टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर कैप्ट एट माइनस एक्स वन कॉमा जीरो एंड एक्स वन कॉमा जीरो हो रहे। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट ओरिजन, जहां ई निकालना है प्लस वन, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, टोटल ई क्या होगा, ई वन प्लस ई टू, ई ए प्लस ई बी, दोनों ऐड करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक न्यूमेरिकल है यार ई निकालने के, जो शुरू में शीट में किए थे। जैसे ये देखो, ऑल इंडिया डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, SI यूनिट भी हो जाएंगे, राइट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इक्वेटोरियल लाइन नहीं हो गया, एक डायपोल है, इसके मिड पॉइंट में एक लाइन जा रही है, मिड पॉइंट की लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन डेरिवेशन है, तो इक्वेटोरियल की सेम है। ठीक, यहां तक ये जो क्वेश्चन है, हमने कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वही है, राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर। एक्सियल लाइन की डेरिवेशन है, ये भी आसान है, हो जाएगी। सेम है, अगर रेडियस, एक चार्ज को स्फेरिकल सरफेस में डाला हुआ है, रेडियस को हाफ कर दिया, तो फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स रिमेनिंग दी सेम। ये क्वेश्चन देखो, 20 सेकंड पढ़ो प्लीज। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान आगे प्लीज, आपको ना ध्यान ध्यान आगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक लाइन चार्ज की वजह से, हमने डेरिवेशन की थी, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन यही थी, एक लाइन चार्ज की वजह से ई कैसे निकलेगा, तो ये वही डेरिवेशन है सेम टू सेम, तो अपने अपने बुकलेट में से एक बार चेक करना है इसे। आप क्वेश्चन नंबर देखें,
ये शीट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, ये भी देखें एक बार, ये 24th क्वेश्चन शीट वाले बहुत आते हैं। एक सिग्मा एक माइनस सिग्मा, दो शीट्स हैं, पैरेलल शीट्स हैं, प्लीज साइलेंस कर लेने दो खत्म इसे। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, ए और बी पे। तो कई बार हो गया ना, यहाँ पर ए पे क्या होगा जीरो, बी पे क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये क्वेश्चन तीन नंबर में आता है तो क्या करोगे, बस ये लिख के आओगे जीरो और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर नंबर भी आपको एक ही मिलेगा। थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसको दो शीट्स लिया, फिर यहां पर देखो मैंने इसका ई भी लिया, इसका ई भी लिया, और आपस में क्या हो गए कैंसल। फिर मैंने यहां ई निकाला प्लस वन रख के, दोनों ई आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में ऐड करके प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लिख के आने हैं। ऐसे लिख के आना कि जीरो होता है, आंसर तो सबको याद ही है जीरो होता है, लिखने का तरीका पॉइंट समझ में आ रहा है। दिखाना पड़ेगा ई वन ई टू आपस में कैंसिल हुए हैं या ऐड हुए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 27, पढ़ो एक बार क्वेश्चन 27। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो आगे आपके पास एक शेल है आर वन रेडियस का, अंदर चार्ज क्यू है, तो एस वन एस टू टू हॉलो कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स है, एनक्लोजिंग चार्ज क्यू एंड टू क्यू, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू। अब एस वन ये रहा स्फेयर वन, इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा सिर्फ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड में क्या होगा क्यू प्लस टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की रेशियो निकाल लेना रेशियो आ जाएगी। फिर सेकेंड पार्ट है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल एस वन चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड एस वन इन प्लेस ऑफ एयर। इसमें कह रहा है कि क्या कर दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया, तो फ्लक्स क्या था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या हो जाएगा क्यू बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और के कितना है फाइव, तो वन बाय फाइव टाइम हो जाएगा फ्लक्स। तो पहले स्फेयर में क्योंकि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाला तो पहले स्फेयर का फ्लक्स वन बाय के टाइम हो जाएगा, बाकी तो सेम, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो चेंज होएगा यार, मालूम नहीं क्योंकि अंदर का, हाँ अफेक्टिव निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन, वो अफेक्टिव निकालना आता नहीं अपने को, ऐसा क्वेश्चन तभी पूछा नहीं उसने, नहीं तो दो मीडियम का कॉम्बिनेशन का एप्सिलॉन निकालने का कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास वैसे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, ये क्वेश्चन पढ़ो एआई ऑल इंडिया। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल जिसका रेडियस है आर वन और आउटर आर टू है चार्ज ऑफ क्यू, कहां पे है क्यू, यहां पे है चार्ज क्यू, चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल स्मॉल क्यू, तो इंडक्शन हो गई क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आउटर के ऊपर क्यू प्लस क्यू, अंदर माइनस क्यू, यहां क्यू। आपको क्या निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर, हो गया माइनस क्यू बाय इसका एरिया, आउटर में क्यू प्लस क्यू बाय इसका एरिया, तो आपको दो चीजें आ गई, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स ग्रेटर देन आर टू, मतलब कहीं बाहर चलें, यहां पर आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के ई तो कैंसिल हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस जो भी होगा मान लो एक्स है, तो जो ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वही ये कंट्रीब्यूट करेगा डिस्टेंस सेंटर, तो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा क्यू प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू बाय
एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर के चार्जेस का जो ई होगा वो आपस में कैंसिल, इंडक्शन की वजह से है ना, तो नेट ई क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 32। हाँ, ये किया हुआ ऑब्जेक्टिव में कि दो चार्जेस को ब्रेक करना है ताकि फोर्स उनमें मैक्सिमम आ जाए, तो क्यू बाई टू हाफ कर देना है। सही है, सिंपल है, ये नहीं आता इतना कॉम्प्लेक्स। फोर्सेस ये डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के डेरिवेशन है, डन, आसान है ये। आगे जो है वो इसकी टॉर्क की डेरिवेशन है, ये भी टॉर्क की डेरिवेशन, पी साइन थीटा। ये कुछ नहीं करना यार, ये सिंपल फोर्सेस के ऊपर ही है, कुछ नहीं है। ये डेरिवेशन है यार सारी, जितनी भी हैं ये सब डेरिवेशन है, शीट की, फ्लक्स की, इसमें कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन, आवाज कहाँ से आ रही है पहले तो? हाँ, 30 किधर है, 30 से पीछे जाऊं, 33। वन पॉइंट थर्टी थ्री ये वाला, फिर आप जाते पूछ लेना। ओके, 50th क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्लीज एक बार चेक करो। 50th क्वेश्चन फ्लक्स का बहुत बार रिपीट होता है ये पेपर में, मतलब आप ये देख लो कि ये यूलाई का पेपर करने के बाद मैं 2019 और 18 का पेपर करूंगा यहाँ पे, आप देखना कि कुछ कुछ चीजें इसमें मैच भी होंगी, मतलब पुरानी चीजें में से मैच होता हुआ आएगा। तो मतलब पहले हम एक बार अपना कलेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चंस का, फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखेंगे करंट ईयर पेपर में, जो लास्ट नेक्स्ट टाइम हमारा यही काम है। तो हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स, प्लीज ध्यान आगे, तो हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है और लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 25 इज प्लेस्ड इन अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाई ई वैक्टर इक्वल टू 50 x i कैप, दैट इज एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। तो यहाँ पर व्हेन एक्स इक्वल टू 1 मीटर तो ई की वैल्यू इज 50 × 1 और यहाँ पर ई की वैल्यू 50 × 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। आपको क्या निकालना है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, एक बार प्लीज एक बार चेक करना है इसे।
ई की वैल्यू डिफरेंट है सर। कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लीज, कर्व्ड सरफेस एरिया पे नेट फ्लक्स जीरो है। क्यों? बिकॉज एरिया और ई में एंगल 90 है। यहाँ पर क्या होगा? ई ए कॉस जीरो, यहाँ पर ई ए कॉस 180। तो एक में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इन्हें ऐड कर दें, टोटल फ्लक्स आ गया। तो फिर वो पूछेगा इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितने हैं? तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया, वहां से चार्ज कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड। तो ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें नहीं कुछ करना। नेक्स्ट जो है ये इक्वेटोरियल का क्वेश्चन है। ये डायपोल के बहुत सारे शीट्स में क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, ये शीट वाला क्वेश्चन है, सेम है। ओके, क्वेश्चन इज अ स्मॉल मेटल स्फीयर, प्लीज आगे देखो सर तक। अ स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड अ लार्ज अनचार्ज मेटालिक स्फेरिकल शेल। तो कह रहा है कि क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और क्यू को हमने कहां पे रखा? फिर से पढ़ता हूं, अ स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड अ लार्ज अनचार्ज मेटालिक स्फेरिकल शेल। यूज गॉस लॉ टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P1। देखो मैं इसके अंदर है क्या, ये फ्री स्पेस है, ये मेटल का शेल है, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये तो चलो बात खत्म हो गई। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे क्या यहाँ P1 पे ई निकाल के दे सकते हो? बोलो क्या होगा? ई जीरो, शेल के अंदर ई क्या होता है? जीरो। लिख नहीं सकते ना, उसने कहा यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूव करो कि ये जीरो। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या होगा? X1। तो E1 into 4π x1 square is equal to, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q divided by epsilon naught। तो E1 की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर E की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बिकॉज यहां पर पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। पॉइंट चार्ज तो E लगाएगा ना, जीरो तब होती जब पॉइंट चार्ज ना पड़ा होता, ठीक है यहां तक। फिर सेम क्वेश्चन है, X1 की जगह X2 पे ले लो, X2 के ऊपर आपको E निकालना है, तो फिर से गॉशियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो गॉशियन सरफेस ड्रॉ करके क्या होगा? E into 4π x2 square is equal to, अब टोटल चार्ज बोलो इस गॉशियन सरफेस में क्या बनेगा? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दैट इज जीरो। तो फिर फ्लक्स क्या आया? जीरो। E क्या आएगा? जीरो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो नेट E जीरो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है। 59 प्रॉब्लम भी ठीक है, काफी बार रिपीट होती है, मैं बता ही देता हूं एक बार, ये हमने की नहीं हुई वैसे 59, मैंने करवाई नहीं थी उस टाइम। क्वेश्चन है कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस ऑफ R। कह रहे हैं कि यहां पर ZE चार्ज है न्यूक्लियस का, इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ रेडियस ऑफ कैपिटल R, ठीक है यहां तक। तो the atom as a whole is neutral, तो obviously neutral होगा क्योंकि ये positive है और बाकी negative है, तो neutral है। For this model, what is the electric field at a distance of small r from the nucleus when small r is less than capital R? तो मेरे को ना small r less than capital R कहीं पर भी E की value बतानी है। Gauss theorem use करेंगे, लेकिन उससे पहले density जो electron होता है, electron वो कितने होते हैं? Z होते हैं। तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? माइनस ZE। और क्योंकि डेंसिटी रो गिवन है इलेक्ट्रॉन्स की, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R क्यूब इनटू रो इज माइनस ZE। तो यहां से पहले तो रो आ गया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? मुझे स्मॉल r डिस्टेंस पे स्मॉल E निकालना है। तो E इनटू 4π r² इज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब चार्ज क्या लेंगे? इसके अंदर का चार्ज ZE तो होगा ही होगा, ZE तो होगा होगा, प्लस नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 कैपिटल R, स्मॉल R क्यूब होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पे स्मॉल R होना चाहिए था, 4/3 स्मॉल R क्यूब, स्मॉल R ही है वैसे, इनटू डेंसिटी रो। तो रो की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करके ही आंसर आएगा। तो गॉस थ्योरम लगा के E कैन बी कैलकुलेट। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक?
ठीक। तो नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है, एक स्फेयर को दूसरे के साथ टच किया तो स्फेयर एवरेज आउट हो जाएगा, सेम है। ये नहीं आएगा लॉन्ग आंसर्स में, कुछ नहीं आएगा। ये वही अभी आज जो क्वेश्चन किया, क्यूब वाला सेम, क्यूब वाला सेम, अभी जो एटम वाला सेम किया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो आपने करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखो ध्यान आगे प्लीज, तो लास्ट चैप्टर है ये, अभी खत्म हो जाएगा। ध्यान आगे प्लीज, इसके अंदर आपको देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फ्लक्स तक एक चलता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस एक चलता है। तो इसके अंदर अब पोटेंशियल के अंदर वो कह रहे हैं दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इनके ऊपर कहाँ एक पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो आ जाता है। तो यहां पर ये पोटेंशियल, देखो हम ये मानते हैं कि एक्स वो डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो एक्स का मतलब ये 16 माइनस एक्स, तो एक पोटेंशियल हम इसकी वजह से निकालेंगे, किसकी वजह से निकालेंगे, और नेट पोटेंशियल को क्या कर देंगे इक्वल टू जीरो। तो जीरो करके एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक्स वो पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो। हेक्सागन है, इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज गिवन है, तो आपको सभी चार्जेस का वी निकालना है। तो पहले एक चार्ज का निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर, ऐसे कितने चार्जेस हैं 6 इंटू 6। नेक्स्ट 2.3 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत बार आई हुई है, एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ लें, ये भी मैंने करवाई नहीं हुई उस टाइम, क्वेश्चन देख लें प्लीज। टू चार्जेस 2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं डायपोल का सेंटर लेता हूँ, सेंटर पे वी क्या हो जाता है जीरो, तो एक इक्विपोटेंशियल का पॉइंट है। इवन अगर आप एक प्लेन ले लें, इवन एक लाइन ले लें, इस लाइन के लिए ये और ये पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट है, तो नेट वी इसका भी जीरो, हर पॉइंट पर वी जीरो रहेगा। इवन अगर आप एक प्लेन ले लें इसके अंदर से पास होता हुआ, तो भी नेट वी प्लेन के ऊपर जीरो। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें एक प्लेन है जो इक्वेटोरियल लाइन के अंदर से पास हो रहा है, वो एक प्लेन, एक इक्वेटोरियल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। ये लाइन तो इक्विपोटेंशियल है, क्यों ये वी है ना, ई थोड़ी ना। हाँ वी है इक्विपोटेंशियल, ई तो खत्म हो गया वेक्टर वाला काम, इक्विडिस्टेंट है ना 2 और -2 से हर पॉइंट, वी जीरो। वी इक्विपोटेंशियल क्या होता है, जहां पोटेंशियल सेम है तो 0 0 0 0 0, वी जीरो आता है इक्वेटोरियल पे, वी ई नहीं, वी जीरो आता है, चेक करो ठीक। ई में नहीं होता। ओके जैसे पांच मिनट और है, खत्म हो रहा है ये। जैसे सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 2 हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में डालो,
तीन कैपेसिटर, देखो सीरीज पैरेलल के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल तो आता ही है, सीरीज और पैरेलल में बेसिक न्यूमेरिकल आता है। नाइन पीको फैरेड सीरीज में व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल सीधा 120 का 120 बाय 3 हो जाएगा 40 वोल्ट। इस सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, कैपेसिटी सेम है। सेम अगर ये तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड करके हो जाएगी। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि वी पैरेलल में सेम रहता है तो चार्ज क्या होगा, C1V, C2V और C3V, तो यहां से वैल्यू आएगी। तो फिर बेसिक न्यूमेरिकल है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ गिवन एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट स्मॉल डी गिवन, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और के टाइम्स कैपेसिटेंस, तो के टाइम हो गई, V हमें पता है तो चार्ज क्या होगा, सी इंटू वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से चार्ज आ जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन अ कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन, ऊपर अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। तो जब हम के इज इक्वल टू 6 डालते हैं, कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगी, वोल्टेज सेम है तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू डैश सी डैश इन टू वी, तो क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हुई तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा। बी पार्ट, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, अब डिसकनेक्टेड में क्या प्रॉब्लम है कि सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स सेम, चार्ज आएगा कहाँ से, बैटरी से, बैटरी तो डिसकनेक्ट होगी तो चार्ज विल रिमेन सेम, पर वी चेंज हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई सी डैश। तो ऐसे मैंने आपको शीट बना के दी थी कि डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला, बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, तो ई कैसे चेंज होगा, वी कैसे चेंज होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। ये 2.11 क्वेश्चन बहुत बार आता है, 600 पीको फैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्ट किया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पीको फैरड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लूज हो गई, हमने एक्सप्रेशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस का, लॉस एनर्जी का ये एक्सप्रेशन था, अगर याद है तो सीधा पुट करो, कॉमन पोटेंशियल वाले पेज पे था ये, कॉमन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस, तो ये वही वही याद सेम है, ठीक है यहाँ तक। तो सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, ये वाला नहीं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी को लेके था, ये नहीं आएगा इतना बड़ा, ये रिपीट है, हाँ देखो ये क्या सही क्वेश्चन है, देखो, शो दैट नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज्ड सरफेस टू अनदर बाय दिस वैल्यू। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, मतलब बंदा सोचे कि ये तो किया ही नहीं है, नहीं हो सकता, पढ़ लो दोहरा लाइन पढ़ लो, तो हमने तो नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं एक शीट है, एक शीट के लेफ्ट की तरफ ई क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन में फर्क है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब आप यहां से यहां जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकॉन्टिन्यूस है, देखो ना डायरेक्शन एकदम चेंज है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस करें, जब माइनस करेंगे तो दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर यही आएगा, हो गया प्रूफ। एक प्लेट के लेफ्ट और राइट ई निकाले, दोनों को माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन डॉट है, कुछ नहीं पूछने का तरीका ही है बस, बट हमने कर लिया तो अब हम कर पाएंगे इसे, ना करते तो मुश्किल हो जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है ना एंजल, ठीक। इसमें ये डेरिवेशन है लाइन चार्ज की, ये क्वेश्चन कह रहा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो 2.18, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने बोर्ड वालों ने। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, सही है। एस्टीमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सही है, 1/4πε0 Q1 Q2 r, डन, एक आंसर तो आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई।
अब वो कह रहा है कि एस्टिमेट पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट, हम जीरो इन्फिनिटी पे लेते हैं, सही है, एक आंसर आ गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल निकाल दी, इसका मैग्नीट्यूड का हाफ क्या है काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी कितनी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकना है तो मुझे इसके ऑपोजिट +13.6 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम करना पड़ेगा, तो प्लस कर दिया इसमें, ठीक है। तो पहले टोटल एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन की और फिर उसका नेगेटिव कर देना है, ठीक हो गया यहां तक, ठीक समझ में आ गया यहां तक। फिर क्वेश्चन में फिर उसने चेंज किया, देखो व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी, अगर जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी में नहीं है कहां पर है 1.06 एंगस्ट्रॉम पे है, तो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, हम तो नॉर्मली आर को इंफिनिटी लेते हैं जीरो, पर अगर ना हो फिर हमने डेरिवेशन की थी, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 माइनस 1/R1। तो फिर हमने स्टैंडर्ड R1 को क्या लिया था इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है जीरो, पर अगर जीरो ना हो फिर तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो इसमें वो क्या गिवन है 1.06, तो R2 हमें गिवन है, R1 1.06 लेना पड़ेगा, तो चेंज इन एनर्जी आएगी, तो चेंज इन एनर्जी ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिर आप काइनेटिक निकालेंगे और फिर काइनेटिक के बाद टोटल निकालेंगे और फिर वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे, बाकी तो चलो रिपीट सेम है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि जब इन्फिनिटी नहीं होता तो क्या करना है, बाकी सिंपल है। ये देखो टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस ए एंड बी, दो स्फेयर का रेडियस ए और बी है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, एक वायर के साथ हमने कनेक्ट किया, व्हाट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फेयर। जब आप वायर से कनेक्ट करते हो तो दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या हो जाता है सेम, पोटेंशियल सेम करके चार्ज की रेशियो आ गई। वो कह रहा है ई की रेशियो निकालो, तो ई का फॉर्मूला हमें पता है, ई के फॉर्मूले में चार्ज की रेशियो हमने पुट कर देनी है, ई का फॉर्मूला आ गया। फिर जो ई होता है और सिग्मा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सिग्मा क्या होता है ई क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की रेशियो ई की रेशियो एक ही बात है, तो यहां से ई की रेशियो और सिग्मा की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। देखो टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ध्यान आगे, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट 0, 0, -a एंड 0, 0, a जेड एक्सिस पे, इसका मतलब ये डायपोल है, तो एक चार्ज यहां पर है एक चार्ज यहां पर है, ये रहा ए और माइनस ए पे, ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0, z एंड x, x, 0। कह रहे पोटेंशियल निकालो यहां पे कहीं पर, हमने डेरिवेशन की हुई है, एक्सियल लाइन बन गई है इसकी, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालो, ये किया हुआ है हमने अलग तरीके से किया, बात तो एक ही है, सीधा आंसर आ गया, ड्राइव करके, ड्राइव करना पड़ेगा आपको। फिर वो कहते हैं कि मुझे पोटेंशियल एक और जगह निकाल के दो, x, y, 0। x, y, 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, आपको ही लगता है एक्स वाई प्लेन इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, और इक्वेटोरियल प्लेन तो क्या होता है वी हर पॉइंट पर क्या होता है उसका, तो आंसर जीरो, करना क्या है जो प्लेन इक्वेटोरियल लाइन में से पास करता है उसका वी क्या होता है जीरो, आंसर जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे रीड करना है, बाकी कुछ नहीं है, डेरिवेशन ऐसा रही है, ये क्वेश्चन में किया हुआ है, जैसे कैपेसिटर्स गिवन है सीरीज पैरेलल में और आपको चार्जेस निकालने होते हैं सीरीज पैरेलल में, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, और अदर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस किए थे, इतने आए ना आए मुझे पता नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन किया था, ये किया था, और तो बेसिक न्यूमेरिकल ही है इसमें, चलो ठीक है, इस यहाँ तक सफिशेंट है। इसके बाद ठीक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टाइम 2018 और 19 का पेपर होगा और इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक।